आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सुना होगा, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना सुना होगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सुना होगा, ये सारे ट्रेडिशनल एसेट्स है। लेकिन आजकल एक चीज जो बहुत कॉमन हो रही है वो है लग्जरी वॉच इन्वेस्टिंग। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि लग्जरी वॉच में इन्वेस्ट करना चाहिए, लग्जरी वॉच सारे एसेट क्लासेस से बेटर रिटर्न देती है। बट ये लग्जरी वॉचेस जो होती है ये हर ब्रांड की बेटर परफॉर्म नहीं करती है। कई सारे स्पेसिफिक ब्रांड्स होते हैं जिनकी वॉचेस की डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई बहुत कम होती है, उन्हीं ब्रांड्स के केस में ये चीज एप्लीकेबल होती है। बट आज हम बात करेंगे कि क्या सचमुच लग्जरी वॉच इन्वेस्टिंग हो सकती है, क्या सच में आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर ये स्टॉक्स या बॉन्ड्स या फिर रियल एस्टेट और गोल्ड के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये कितने ज़्यादा बेटर रिटर्न दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कौन लोग लग्जरी वॉचेस बाय करते हैं और क्या लग्जरी वॉचेस सच में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सब चीज़ पे बात करेंगे, पूरा वीडियो देखते रहना। पहला सवाल, कौन लोग लग्जरी वॉचेस बाय करते हैं। लोग बिलीव करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर्स या फिर रिच बिलियनर्स या मिलियनर्स जो होते सिर्फ वही लग्जरी वॉचेस बाय करते हैं। लेकिन आजकल जो नॉर्मल लोग हैं जिनकी नेटवर्थ ये बिलियनर्स और मिलियनर्स से कम है वो भी लग्जरी वॉचेस की तरफ मूव हो रहे हैं। तो लग्जरी वॉचेस आजकल बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर बहुत से कंपनी के फाउंडर्स हैं जो लग्जरी वॉचेस की तरफ मूव हो रहे हैं, जो 50-60 लाख इनफैक्ट 10-12 लाख के आसपास लग्जरी वॉचेस बाय कर रहे हैं और इनफैक्ट ये शो ऑफ भी कर रहे हैं। पहले तो लग्जरी वॉचेस का हम रिटर्न कंपेयर करेंगे कंपेयर टू बाकी अदर एसेट क्लासेस जैसे कि गोल्ड, रियल इस्टेट, स्टॉक्स या बॉन्ड्स हो गया। अब अगर देखा जाए आप ये चार्ट देख सकते हो जिसमें रोलेक्स ने 2020 में एक्चुअली बाकी एसेट क्लासेस से बेटर परफॉर्म किया है। अब देखा जाए तो 2020 में जो रोलेक्स ने बूम दिखाया है वो बाकी कोई एसेट क्लासेस ने नहीं दिखाया है। इनफैक्ट रोलेक्स ने तो गोल्ड रियल इस्टेट से तो अच्छा परफॉर्म किया ही है, उसके साथ रोलेक्स ने डाउ जोन से भी अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब जो लग्जरी वॉचेस है वो एक्चुअली स्टॉक्स से बेटर रिटर्न दे रही है। बीसीजी का भी रिपोर्ट है जिसमें बीसीजी ने बताया है कि लग्जरी वॉचेस एक्चुअली स्टॉक्स और बॉन्ड्स से बेटर रिटर्न दे रही है। इनफैक्ट कई सारे केसेस में तो लग्जरी वॉचेस 20% का CAGR वाला रिटर्न दे रही है। बट ये रिसेंट में 4-5 ईयर्स के आसपास ही पॉसिबल हुआ है, इसके पहले ये इतना पॉसिबल नहीं था। अगर आप सोचोगे कि लग्जरी वॉचेस इतना ज्यादा रिटर्न क्यों देते तो रोलेक्स जो है वो ईयरली सिर्फ 8 लाख वॉचेस बनाता है और इसकी जो वॉचेस की डिमांड है वो 8 लाख वॉचेस से बहुत ज्यादा है। तो इसका जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा कम है और डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये जो वॉचेस है उसका प्राइस सेकेंड हैंड मार्केट में कंपैरेटिवली टू फर्स्ट हैंड मार्केट बहुत ज्यादा होता है। अब इसके वजह से लोग इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रोलेक्स के वॉच में इन्वेस्ट किया था। इनफैक्ट रोलेक्स की एक वॉच है, रोलेक्स डेटोना कॉस्मोग्राफ, जिसका प्राइस था 12 लाख ऑन रिटेल और वो अब सेल हो रही है सेकेंड हैंड मार्केट में अबाउट 30 लाख के आसपास। आप रिटर्न कंपाउंड करके देख लो, ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है जिसने इसका कैपिटल अबाउट ट्रिपल कर दिया होगा। सर्कुलेटिंग इट वाज इन द पेपर, इट वाज इन सोशल मीडिया अबाउट अ वीक अगो। तो कंपेयर टू अगर देखा जाए तो लग्जरी वॉचेस बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं कंपेयर टू अगर हम स्टॉक्स देखें या गोल्ड देखें या फिर रियल इस्टेट देखें। अगर हम लग्जरी वॉचेस को रियल इस्टेट से कंपेयर करेंगे तो लग्जरी वॉचेस एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करते हैं और एक बेटर एसेट क्लास है रियल इस्टेट से कंपेयर टू, क्योंकि रियल इस्टेट में ना आप आपका जो एसेट है वो कैरी नहीं कर सकते यहाँ वहाँ, लेकिन आप लग्जरी वॉचेस को यूज कर सकते हो और आप इन्हें यहाँ वहाँ सब जगह कैरी कर सकते हो। उसके साथ साथ ही आपको उससे बेटर रिटर्न भी दे रहे, तो ये एक एक्चुअली अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये ग्राफ देखोगे सेकेंड हैंड लग्जरी मार्केट का जो ग्रोथ है वो उसके नंबर्स आप देख सकते हो, ये जो है नंबर्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में इंक्रीज हो रहे हैं और ये कभी भी डिक्रीज नहीं हुए ओवर द ईयर। तो ये एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है लग्जरी वॉच इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि ओवर एंड ऑल इसका जो मार्केट साइज जो है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज होता ही रहेगा। तो आप लग्जरी वॉचेस में अगर इन्वेस्ट करते हो तो ये कोई एक प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। लग्जरी वॉचेस में इन्वेस्ट करे तो करे कैसे? वेल, ऐसा नहीं होगा कि आप शोरूम में जाओ और जो सबसे अच्छी दिखने वाली वॉच है, जो सबसे एक्सपेंसिव वॉच है, वो आप जाकर पिक कर लेकर आ जाओ और बोलो कि हाँ मैंने ये वॉच में इन्वेस्ट कर दिया है, अब मैं बिलियनेयर बन जाऊंगा या फिर मुझे रिटर्न्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपको ये वॉचेस की प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी। हर ब्रांड की लग्जरी वॉच जो है 2 लाख के ऊपर होती है, वो हर एक वॉच आपको बेटर रिटर्न्स नहीं देगी। इनफैक्ट रोलेक्स की सारी वॉचेस आपको रिटर्न्स नहीं देती है। कई स्पेसिफिक वॉच के मॉडल्स होते हैं या फिर कई स्पेसिफिक टाइप की वॉचेस होती है जो आपको रिटर्न देती है। बहुत ज्यादा लग्जरी वॉचेस में इन्वेस्ट करना है तो आपको इसका प्रॉपर नॉलेज होना पड़ेगा। या तो आप कोई वॉच डीलर को कंसल्ट कर सकते हो कि कौन से मॉडल्स है जो लिमिटेड है, कौन से मॉडल्स की डिमांड है, या फिर आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाकर खुद भी चेक कर सकते हो कि कौन से मॉडल्स की डिमांड ज्यादा है और वही वॉचेस को आप ट्राई कर सकते हो, आप ले लेना या फिर उसमें इन्वेस्ट कर लेना और फिर थोड़े टाइम बाद आप उन्हें एक्चुअली सेल कर सकते हो। लेकिन लग्जरी वॉचेस के मार्केट में ना आप शॉर्ट टर्म में जो आपका कैपिटल है वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको इसमें लॉन्ग टर्म गेम खेलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कई सारे रिपोर्ट्स है जिसमें बताया गया है कि अगर आप लग्जरी वॉचेस के मार्केट में प्रॉफिट बुक करना है आपको ऑन अराउंड 10-15 ईयर्स का गैप रखना ही पड़ेगा जिसमें आप उस वॉच में इन्वेस्टेड रहोगे। लेकिन लग्जरी वॉच में इन्वेस्ट करने
करने का ये फायदा है कि आप उन वॉचेस को पहन भी सकते हो और उसके साथ साथ ही आपकी एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। अब जो लग्जरी वॉचेस होती है वो हर एक ब्रांड की लग्जरी वॉचेस आपको रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं करती। जो वॉचेस की सप्लाई जो है वो लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज्यादा है, वही वॉचेस जो होती है वो कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न प्रोवाइड करती है और एक्चुअली प्राइस अप्रिसिएशन देती है। अब हर एक लग्जरी वॉच जो महंगी होती है या फिर हर एक एक्सपेंसिव वॉच आपको प्राइस अप्रिसिएशन नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल अगर रैडो और हुबलॉट की वॉचेस का हम कंपेरिजन करें तो हुबलॉट के वॉचेस में जो है प्राइस अप्रिसिएशन इतना ज्यादा नहीं होता है। ये वॉचेस जो है अपने प्राइस स्टोर कर पाती है लेकिन इसमें अप्रिसिएशन आपको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट रैडो की वॉचेस में तो आपको प्राइस डेप्रिसिएशन मिलेगा और अगर आप इसे ओमेगा की वॉचेस से कंपेयर करोगे तो इनफैक्ट ओमेगा के वॉचेस में भी प्राइस अप्रिसिएशन नहीं है। इसमें प्राइस वैल्यू जो है वो स्टोर हो सकती है, कई बहुत लिमिटेड केसेस में वॉच के प्राइस में अप्रिसिएशन हो सकता है ये वाली ब्रांड्स के वॉचेस में, लेकिन अगर हम कंपेयर करें ये वॉचेस को तो इतना ज़्यादा प्राइस अप्रिसिएशन इसमें आपको देखने नहीं मिलेगा। प्राइस आपका जो वैल्यू है वो स्टोर हो सकता है या फिर कई सारे केसेस में वैल्यू डिप्रिशिएट भी हो सकती है, लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में ये जो एक्सपेंसिव वॉचेस है ये अच्छी वैल्यू स्टोर करके रखती है। लेकिन अगर आप शोरूम से इन्हें ले लोगे या कहीं से इन्हें बाय कर लोगे और फिर आप सोचोगे कि आपका जो प्राइस है वो अप्रिशिएट हो जाएगा तो ये हर एक वॉच के ब्रांड के केस में अप्लीकेबल नहीं हो सकता। ये सिर्फ सिलेक्टेड वॉच के ब्रांड्स के केसेस में अप्लीकेबल होता है, जैसे कि रोलेक्स हो गया, एपी हो गया या पेटिक फिलिप हो गया, ये सारी वॉचेस का जो सप्लाई है वो लिमिटेड होता है। इसलिए ये वाले ब्रांड्स के केसेस में आप लग्जरी वॉच इन्वेस्टिंग कर सकते हो और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वॉच एक्चुअली अप्रिशिएट हो जाए। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर ये कंपनीज अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर ले तो इनकी जो सप्लाई वो एक्चुअली इंक्रीज हो सकती है और इनके जो प्रॉफिट्स है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसके वजह से लग्जरी वॉचेस के मार्केट पे एक बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा, जिसके साथ जो लग्जरी वॉचेस स्टोर करते हो उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि कोई वॉच की स्पेसिफिक डिमांड ही नहीं होगी अगर कंपनी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो। ये एक नेगेटिव पॉइंट है लग्जरी वॉच के मार्केट के बारे में। अगर आप लग्जरी वॉचेस में इन्वेस्ट करना कंसिडर कर रहे हो या फिर सोच रहे हो तो ये पॉइंट कंसीडर करना। तो आप रिटर्न्स कितने एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप लग्जरी वॉचेस पे ऑन अराउंड रिसर्च के हिसाब से 10-20% के बीच में रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। गोल्ड का जो रिटर्न है वो 11.7% है अबाउट 10-20 इयर्स के बीच। अब इसमें जो डॉ जोन्स का रिटर्न है और रियल एस्टेट का जो रिटर्न है वो भी कंपैरेटिवली लग्जरी वॉचेस के रिटर्न से बहुत ज्यादा कम है। बीसीजी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि लग्जरी वॉचेस जो है वो बाकी अदर एसेट क्लास को आउट परफॉर्म कर रही है। अब जो ये रेयर आइटम्स होते हैं इनकी सप्लाई तो होती नहीं है, तो इसलिए इनकी जो डिमांड है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मोनालिसा की पेंटिंग का एग्जांपल ले लें तो ये एक रेयर पेंटिंग है, तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। इसी यही चीज़ यही प्रिंसिपल लग्जरी वॉचेस के मार्केट में अप्लाई होता है। तो अगर हम ऊपर ऊपर से मार्केट को देखें तो ये मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज ही हो रहा है और इसने जो ओवरऑल रिटर्न दिया है ना वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स से अच्छे रिटर्न दिए। इनफैक्ट गोल्ड और रियल एस्टेट से भी बेटर परफॉर्म किया ये लग्जरी वॉचेस वाले एसेट क्लास। अब ऐसा करना चाहिए क्या कि हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, रियल एस्टेट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, सारा कैपिटल जो है वो लग्जरी वॉचेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर किन लोगों को लग्जरी वॉचेस में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपके पास बहुत सारा कैपिटल है तो आप लग्जरी वॉचेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप इन एसेट क्लास को कंसिडर कर सकते हो। लग्जरी वॉचेस में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, तो ओवर एंड ऑल देखें तो लग्जरी वॉचेस जो है एक अच्छा एसेट क्लास है। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप इसमें इन्वेस्ट करने का कंसिडर कर सकते हो। आप अगर कंसिडर करते भी हो तो आपको दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी कि आपके पास अगर पैसे है तो आप सीधा जाके लग्जरी वॉचेस परचेस नहीं कर सकते। हर एक वॉच के ब्रांड का एक अलग अलग सिस्टम होता है, आपको या तो इनको सेकेंड हैंड मार्केट में जाके परचेस करना पड़ेगा या फिर ऑथोराइज रिटेलर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फेक्स भी मार्केट में अवेलेबल है, जो एक्चुअली कई सारे स्कैम्स हुए जिसमें लोगों को फेक लग्जरी वॉचेस बेची गई है। 10-15 लाख लोगों ने स्पेंड किया और उन्हें फेक लग्जरी वॉचेस पकड़ा दी गई है, जिसकी वजह से उनके बहुत बड़े लॉसेस हो चुके हैं। तो ये एक चीज है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है ये लग्जरी वॉच मार्केट में। ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए अगर आप सोचते हो तो बस इतना ही था लग्जरी वॉचेस के बारे में। लग्जरी वॉचेस जो है करंटली एक ट्रेंडिंग एसेट क्लास है, जैसे कि हमारे स्नीकर्स होते हैं उसी तरीके से लग्जरी वॉचेस जो है वो इरप्ट होके आ रहे हैं बाकी एसेट क्लासेस की तरह। ये एक अल्टरनेटिव एसेट क्लास में आता है, आप इसमें इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हो, लेकिन इसमें भी इसके अपने अपने रिस्क होते हैं। तो इतना ही था बस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी या आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।